बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव होती है मानव जाति। अपनी जिंदगी को हमेशा आसान बनाने में लगी रहती है, हमेशा कोशिश करती है कि किसी ना किसी तरीके से एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी या नए तरीके का तरीका निकल जाए जिससे वो अपनी जिंदगी को आसान बना पाए। इसी का परिणाम है कि आज हम इस तरीके के हो गए हैं। कभी शुरुआत में हम किसी और वे में हुआ करते थे और वो धीरे धीरे बदलते बदलते आज इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुके हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं और बनाने भी लगे हैं। सो आज हम बात करेंगे, आज का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है जहाँ पर मैं बात करूंगा होमो सेपियंस के बारे में कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी बाय यूवल नोरा हरारी जो है सेपियन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मेकिंग। 2.5 मिलियन ईयर्स बैक अफ्रीका में ह्यूमन इवॉल्व हुए। हम सब पूरी मानव जाति को होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, बट सही बात करी जाए तो इनके और भी बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स हैं, जैसे कि होमो नेंदरथल्स जो रहते थे यूरोपियन के कोल्डर रीजन्स में, होमो इरेक्टस जो रहते थे एशिया के ट्रॉपिकल रीजन्स में, होमो सोलानेसिस जो रहते थे इंडोनेशिया रीजन में। आफ्टर द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा डोमिनेट करने स्टार्ट कर दिया। जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि पहले लायंस इस पूरी फूड चेन में सबसे ऊपर हुआ करते थे, बट आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ फायर कुछ ऐसा हुआ कि ये सारे होमो सेपियंस ये लोग जाकर एनिमल्स को हंट करते थे एंड दे यूज्ड टू यू नो कुक देम, वो कुक करते थे अपने फायर में और फिर उसके बाद वो उसको खाया करते थे। तो इस सारे एवोल्यूशन की वजह से ह्यूमन जो थे वो सबसे ऊपर फूड चेन पे आ गए। एट द सेम टाइम इसी वक्त इसी रेवोल्यूशन में ऐसा भी हुआ कि उनका कहीं ना कहीं दिमाग का साइज बढ़ने लगा और इंटेस्टाइन्स छोटी होने लगे, और जबकि पहले इंटेस्टाइन्स बड़ी हुआ करती थी और दिमाग का साइज छोटा हुआ करता था, बट बिकॉज उनका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया, दे स्टार्टेड टू एवोल्यूट और उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ रिवर्स हो गई और उनका सोचने समझने का तरीका बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसी ने जन्म दिया साइन लैंग्वेज को। और उन लोगों ने साइन लैंग्वेजेस से वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश करा करते थे, अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करा करते थे, और फिर उन लोगों ने टूल्स बनाए ताकि वो अपने आप को इस पूरे फूड चेन से सर्वाइव कर सकें, वो किसी तरह अपने आप को सेव कर सकें। और भी जो पावरफुल एनिमल्स हैं इस टूल्स की मदद से कहीं ना कहीं वो दूसरे एनिमल्स पर अटैक करा करते थे और अपने आप को सेव करा करते थे। अब इस पूरे प्रोसेस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एक है इंटरब्रीडिंग थ्योरी और दूसरी है एक्सटेंशन थ्योरी। इंटरब्रीडिंग थ्योरी ये कहती है कि होमो सेपियंस कहीं ना कहीं इंटरब्रीड करते थे दूसरे एनिमल्स के साथ, और एक्सटेंशन थ्योरी कुछ इस तरीके से कहती है कि होमो सेपियंस ने बेसिकली सारे और स्पीशीज को खत्म करना शुरू कर दिया। बट ये बहुत ही ज्यादा कंफ्लिक्टेड है, लोग दोनों थ्योरीज पे बिलीव करते हैं, बिकॉज ह्यूमंस उस समय पर इंक्रीज हो रहे थे और किसी ना किसी तरीके से वो लोग अपने फूड की सर्च में इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे, तो इसी वजह से उन्होंने फूड की तलाश में और भी जगहों पर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ और जिस भी एरियाज में वो लोग गए उस एरिया में जो बिग एनिमल्स थे, जो बड़े साइज के एनिमल्स थे, वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होने लगे, वो लोग खत्म होने लगे। तो इस थ्योरी से कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेसिकली उन्होंने सबको हंट करना स्टार्ट कर दिया था एंड एट द सेम टाइम इस हंटिंग की वजह से बहुत सारे एनिमल्स एक्सटेंड होने लगे। उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में आया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो हुआ टर्की, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में टर्की में काफ़ी ज़्यादा वीट और राइस और मिलेट्स पाए जाते थे, जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा कॉर्न और बीन्स पाए जाते थे। एट द सेम टाइम साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा पोटैटोज एंड चाइना में बहुत ज़्यादा राइस एंड मिलेट्स। अब क्या हुआ कि जो ह्यूमो सेपियंस थे वो किसी ना किसी तरीके से एनिमल्स से हंटिंग के उस प्रोसेस से हटने लगे और एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे, और आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा समय लेकर के एग्रीकल्चर होता है। मतलब एक सिंपल सी फसल अगर आप लगाते हो तो वो 3 से 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल भर उस तरीके से प्रोसेस होने लगती है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की वजह से उन्होंने सेटल डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस भी एरिया में जाके वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना शुरू करते थे उस एरियाज में वो जाकर सेटल डाउन भी होने लगे, एंड दैट्स हाउ जब वो लोग सेटल होने लगे तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी ग्रो होने लगा। उन लोगों ने एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह संबंध बनाना शुरू कर दिया और उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। एग्रीकल्चर की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आया होमो सेपियंस के अंदर, जिस प्रोसेस को मैं आपको दो पॉइंट्स में बताऊंगा, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर एग्रीकल्चर क्या हुआ और बिफोर एग्रीकल्चर क्या हुआ। बिफोर एग्रीकल्चर बेसिकली जो ह्यूमन सेपियंस थे उनको सारे तरीके के न्यूट्रिशन मिल रहे थे, बिकॉज वो लोग कुछ भी खा रहे थे, वो फल खाते थे, वो किसी तरह हंट करते थे एनिमल्स को, उनको खाया करते थे,
उसके बाद क्या हुआ कि दे यूज टू ऑल्सो वर्क फॉर 30 आवर्स. वो लोग बहुत मेहनत करते थे जिनकी वजह से उनका फिटनेस बहुत अच्छा था. एट द सेम टाइम दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट. बट एग्रीकल्चर आने के बाद क्या हुआ कि दे गॉट लेस न्यूट्रिशन बिकॉज फार्मिंग और इस सब की वजह से उनको जो लिमिटेड न्यूट्रिशन था वही मिलता था. एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ, बेसिकली उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और न्यूट्रिशन उस तरीके से ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई. एंड एट द सेम टाइम दे वर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट बिकॉज आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है क्लाइमेट के ऊपर. जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि पहले सेपियंस का जो क्राउड था वो बहुत ही कम हुआ करता था, बट विद टाइम क्या होने लगा कि होमो सेपियंस बहुत तेजी से ग्रो करने लगे, बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ने लगी क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था. अब इस पूरी पॉपुलेशन की इंक्रीज की वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी. तो इस कम्युनिकेशन को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारे ग्रुप्स बना दिए और इस पूरे ग्रुप्स को जिस बेस पे बनाया गया वो था इमेजिन्ड मिथ. तो बेसिकली इमेजिन्ड मिथ पे उन सबको डाइवर्ट करा गया. इमेजिन्ड मिथ जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं उन लोगों को समझा देता हूँ. इमेजिन्ड मिथ हो गया बेसिकली विच हैज गॉड सम सुपरस्टिशंस एंड यू नो रिलीजन एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट और अदर मिथ्स. उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव रियालिटी को साइड रखकर इमेजिन्ड मिथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया. अब बिकॉज क्योंकि लोगों के अंदर दिमाग आना स्टार्ट हो गया था, ह्यूमन सेपियंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेकर, बेसिकली ज़मीन को लेकर कि ये मेरा एरिया है ये मेरा एरिया है, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा फाइट्स होने लगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने आर्मी का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए फोर्स की ज़रूरत थी और उस फोर्स को आर्मी के तौर पर सामने लाया गया. बट इस आर्मी को हैंडल करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, तो उसके लिए वहां पर काफी सारे रूलर्स और किंग का भी जन्म हुआ. तो एवोल्यूशन कहां से स्टार्ट होते होते इस लेवल पे पहुंच गया था कि अब फाइट्स की वजह से आर्मी को डेवलप करा गया, उसके बाद किंग्स बने, किंग्स के अपने अपने ब्लॉक्स बने और इस तरीके से सारे ह्यूमन सेपियंस के अंदर कहीं ना कहीं डिविजन स्टार्ट हो गया. अब इतनी बड़ी आर्मी को बना लेने की वजह से कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि उसको फीड करना इम्पॉसिबल है. तो यहीं पर जन्म हुआ टैक्सेस का. टैक्स लेने लगे लोगों से और डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस की वजह से, टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की वजह से डिफरेंट लॉज भी आने स्टार्ट हो गए क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी थी, वो लोग फाइट करते थे तो बहुत सारा खर्चा होता था, खाने पीने का, लड़ाइयों का, बहुत सारी चीज़ों, नए नए इक्विपमेंट्स बनाने का, ये खर्चा हुआ करता था. उसकी वजह से जो आम जनता है उनसे टैक्सेस लेना शुरू करा गया और उन टैक्सेस को लेने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के ऊपर लॉज भी बनाए गए. अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच चुके हैं जिसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन. अब किसी तरीके से आप सबको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी. अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो उसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स क्रिएट हो गए और जब बहुत अलग अलग किस्म के एम्पायर्स क्रिएट हो गए तो उनको सस्टेन करने के लिए बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीज़ों को लेके आया गया जिनकी वजह से सारे जो ह्यूमन सेपियंस हैं वो किसी ना किसी तरीके से एक साथ जुड़ जाए. तो वो जो वेरिफिकेशन जो अलग अलग तरीके से जो यूनिफाई करा गया सबको, वो करा गया ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. जो भी रूलर जिस भी कल्चर को फॉलो करा करता था उनकी पूरी प्रजा उसी कल्चर को फॉलो करा करती थी. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अरब मुस्लिम कल्चर जो रूलर से ही इन्वेंट हुआ और अब उसको लोग फॉलो करते हैं और आज तक फॉलो करते हैं. टीचर में बेसिकली क्या होता था कि जब भी कोई बुरा समय आया करता था, जब भी कुछ डिफरेंट चीज़ें आया करती थी तो वो इमेजिन मिथ को यानी कि गॉड को सोचा करते थे और इनसे उनको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल जाया करती थी कि नहीं अभी समय ऐसा है, भगवान हमारे साथ है, किसी ना किसी तरीके से वो हम सबको हेल्प करेगा. तो यू नो वो जो अंधविश्वास वाला जो सिस्टम था वो सारा वापस से शुरू होने लगा था और सारी चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ने लगी. बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी. होमो सेपियंस ने अलग अलग भगवान बना दिए अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए. कहो तो जैसे बारिश नहीं हो रही तो बना दिया रेन गॉड, अगर किसी तरीके से किसी का कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो बना दिया फर्टिलिटी गॉड. और अब इसमें भी कई तरीके के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए. दो जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो थे पॉलीथीज्म एंड मोनोथीज्म. अब पॉलीथीज्म क्या करता था, दे बिलीव दैट देर आर मेनी गॉड्स. पॉलीथीज्म क्या करता था कि वो ये बिलीव करता था कि बहुत किस्म के भगवान हैं इस दुनिया में. और मोनोथीज्म क्या करता था कि सिर्फ एक ही भगवान है और उसी ने सबको बनाया है, पूरी सृष्टि बेसिकली उसी ने रची है. तो इसमें भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए जो लोग जिस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट हो गए. वहीं पर ही क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स ये काफ़ी मिशनरी हो गए. इन लोगों के कल्चर में काफ़ी मिशनरी आ गया. तो बेसिकली क्या होता था, ये कन्वर्जन में बिलीव करते थे, ये इस तरीके से बिलीव करते थे कि कहीं ना कहीं किसी और जाति को अपनी जाति से मिलाते जाओ. तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लेवल पे चीज़ें पहुंच चुकी थी जहां पर यू नो लोग अपने से जोड़कर लोगों को या फिर किसी किसी ऐसी बातों को सोचकर या फिर मनी के बेस पे, पॉलिटिकल बेस पे अपने आप को पावरफुल बना रहे थे.
अब इसी दौरान पे क्या हुआ, क्योंकि सब भगवानों के बारे में सोच रहे थे और ये सारी चीजें चल रही थी, तो फिर एक नया किस्म का रिलीजन आ गया जो फोकस करता था सिर्फ नेचर के ऊपर, जिसको हम आज की सभ्यता में जानते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। इन लोगों को क्या लगता था कि सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं, एंड एट द सेम टाइम उनको लगता था कि हमारी कम्युनिटी में इस तरीके से कॉर्पोरेट करना ज्यादा ईजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इमेजिन मिथ के ऊपर या फिर किसी और वे में या पावर के ऊपर एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर ही रहे। अब आप बात करते हैं थोड़ी सी दोस्तों इस बारे में कि जो आज के समय पे क्या चल रहा है। तो आज के समय पे बेसिकली भगवान या फिर नेचर, इसको भी पावरफुल नहीं समझा जाता है। अगर आप और मैं एक दूसरे से बात करते हैं या फिर हम अपने सराउंडिंग्स में एक दूसरे से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है, हम आइडियोलॉजीज के बेस पे, यार उसकी आइडियोलॉजी ऐसी है, वो लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं, वो अब हमारी थोड़ी अपर सोच है, उनकी थोड़ी लोअर सोच है, इस तरीके से। तो आइडियोलॉजीज के बेस पे भी अब बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन होने लगा है। और बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे गिनवाने ही हैं, तो मैं बात करूँगा कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड नेशनलिज्म, इसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है। अब हम इस पूरी वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पे पहुंच गए हैं, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक एवोल्यूशन और द राइज ऑफ यूरोप। बहुत ही समय तक ना लोग ऐसा सोचते रहे कि यार भगवान और रिलीजन और ये सब चीजों के बारे में जो भी है ना, यही सही है। बट 16th-17th century जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, तो सब चीजें बदल गई, सब चीजें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग देखने लगे और एकदम यूनिक चेंज आ गया इस वर्ल्ड में। क्योंकि यूरोप ऐसा सोचता था कि ह्यूमंस को सब कुछ नहीं पता है और कहीं ना कहीं एजुकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो दे स्टार्टेड टू रिसर्च एंड सर्च मोर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके रिसर्च करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ। इसी के साथ न्यूटन्स लॉ डिस्कवर हुआ। न्यूटन्स लॉ, आई मीन आप सबको पता ही होगा न्यूटन्स लॉ के बारे में, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड एट द सेम टाइम जो चीजों को ढूंढा नहीं जाता था, जिन चीज को नहीं ढूंढ पाते थे, उनको ह्यूमंस प्रोबेबिलिटी के वे में बोलने लगे कि हाँ प्रोबेबली ऐसा होगा, शायद ये प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी आज के जमाने में क्या है कि शायद किसी प्लैनेट पे एलियंस होंगे, बिकॉज कि छोटे छोटे बहुत ही न्यूक्लियर लाइफ्स पाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर, तो इस बेस पे एक प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है कि यस कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में लाइफ है, तो उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और आज के जमाने में जैसे एक्चुअल साइंसेज है, तो वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बेस पे ही पूरी तरीके से निर्धारित है। अब आप सबने कहानी सुनी होगी कि कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, तो कोलंबस ने अमेरिका ढूंढने से पहले बहुत ज्यादा फंड्स मांगे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स से कि यार आप मुझे पैसा दो और मैं ट्रैवल करके वर्ल्ड को डिस्कवर करूंगा। तो उसने फिर अमेरिका इस काफी पैसा मिला, काफी ट्रैवल करने को मिला, तो उस वजह से उसने यूएस ढूंढा, मतलब अमेरिका ढूंढा, और अमेरिका के रॉ मटेरियल्स को यूज कर उसने पूरे स्पेन को काफी रिच बना दिया, क्योंकि स्पेन ने जब वो डिस्कवरी हो गई, तो ऑब्वियसली वहां पर नया लैंड था, नए तरीके के रिसोर्सेज थे, नए तरीके के रॉ मटेरियल थे, तो उस रॉ मटेरियल को यूज किया स्पेन ने और वो बहुत ही रिच हो गया उस जमाने में। एशिया में स्पेशली जिस जगहों पे हम रहते हैं, वो काफी बहुत बैकवर्ड सोच के थे, उन लोगों ने इन सब चीजों को कभी वेलकम नहीं किया। यूरोप ने काफी वेलकम किया, पर एशिया ने कभी वेलकम नहीं किया। एशिया ने हमेशा सोचा नहीं यार हमको बाहर नहीं देखना है, हमारा भगवान सब कुछ है, हमारे ये सब कुछ है, हमारे गुरु और ये सब चीजें सब कुछ है, हमको बाहर कुछ डिस्कवर नहीं करना है। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि वो बहुत ज्यादा लैक करने लगे, उन्होंने आउटर वर्ल्ड को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाया। अब इसी के साथ हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक एवोल्यूशन और भी हुआ, जिसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि बहुत सारी और नई चीजें हमारी सभ्यता में जुड़ गई और किसी तरीके से ह्यूमन मैनकाइंड को वो हेल्प करने लगी। सबसे पहले क्या होता था कि वुड को बर्न करके एनर्जी बनाई जाती थी, और उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोल का यूसेज होने लगा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। बट अगर मैं बात करूंगा कि एक्चुअल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कब, तो वो आया स्टीम इंजन की डिस्कवरी के बाद। हीट एनर्जी को बेसिकली कन्वर्ट किया गया मोशन के लिए, और मोशन से फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, जहां पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, सब चीजें बनना स्टार्ट हो गया, चीजों को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना लिया जाता था, और यहीं पर जन्म हुआ 9-to-5 जॉब का। जो हम सब कहते हैं कि यार 9-to-5 जॉब है, हमको 9-to-5 काम करने जाना होता है, तो ये बेसिकली उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। और बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, तेजी से बढ़ने लगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में चली गई, कुछ और नए तरीके की इंडस्ट्रीज आ गई, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री ने अपने तरीके से काम किया, और एक 9-to-5 जॉब का कल्चर इस पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ और लोगों ने करना शुरू किया। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो एक समय पर लोगों को बुलाया जाना था कि ठीक है भाई आप 9 बजे आओ,
आप 10 बजे आओ, आप ये आओ, आपको इस समय पर आके काम स्टार्ट करना है, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि सबको समय नहीं पता थे। सब अलग अलग किस्म से, कोई कहता था हाँ सूरज के ढलने के इस समय, अगर आपने अपनी दादी और पुराने लोगों से बात करने की कोशिश करी हो तो आप जानते होंगे कि हाँ भाई ये तब पैदा हुआ था जब बारिश हो रही थी, ये तब पैदा हुआ था जब चांद इस तरीके से आया था। तो ऐसे तरीके की बहुत सारी नई नई चीजें होती हैं, आप सब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। तो इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि टाइम जोन को फाइंड करना शुरू कर दिया, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम जोन्स बन गए इस पूरे वर्ल्ड में और उसके अकॉर्डिंगली लोग अपनी जॉब्स पे आया करते थे। तो इस तरीके से वो एक टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन का भी बेसिकली डिस्कवरी हुआ इसी दौरान। बेसिकली गुड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो पैसा बहुत लगता था, बट आप जानते हैं कि उस समय पर पैसा सबके पास नहीं हुआ करता था, कुछ ही लोगों के पास पैसा हुआ करता था। तो आप समझिए कि जिन लोगों को धंधा करना है वो किस तरीके से धंधा करेंगे। तो यहीं पर ही क्रेडिट यानी कि उधार का कंसेप्ट आया, सबके बीच में उधार होना स्टार्ट हो गया कि ठीक है आप पैसा पहले कहाँ अपना सामान दे दो, हम इसको बेचेंगे, कुछ पैसा बनेगा, फिर उसके तरीके से हम आपका उधार किसी तरह से पूरा करेंगे। अब आप जानते हैं कि जब काम होना शुरू हो गया, गुड्स बनने स्टार्ट हो गए, ये सारी चीजें बननी स्टार्ट हो गई, तो ऑब्वियसली उस गुड को बेचने के लिए कहीं ना कहीं मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मार्केटिंग को भी इसमें इंट्रोड्यूस करा गया, लोगों तक बातों को पहुंचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके लगाए गए और उस तरीके से लोगों तक बातें पहुंचाई जाती थी कि हाँ भाई ये हमने फलानी चीज बनाई है, आप खरीदेंगे क्या। और इसी तरीके से फैशन भी ट्रेंड में आया, क्योंकि क्या होता था कि हम लोगों को बाहर निकलना होता था, नई जगह पे जाना होता था और एक लोगों से मिलना होता था, तो एक साइकोलॉजी, एक माइंडसेट लोगों का ऐसा बन गया कि जो अच्छा दिख रहा है वो ऑब्वियसली काफी अच्छा काम कर रहा होगा, या फिर यार मैं फलानी जगह जाऊंगा तो मेरे को ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजों को एक तरफ को कर कहीं ना कहीं फैशन भी इंट्रोड्यूस होने लगा, लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनने लगे, कॉस्मेटिक्स यूज करने लगे, कानों में बालियां पहनने शुरू कर दिया, बैंगल्स पहनने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से फैशन पूरे ट्रेंड में आ गया, क्योंकि सारी चीजें इतनी तेजी से इंक्रीज हो रही थी तो कहीं ना कहीं लोग बीमार भी पड़ रहे थे, लोगों को लग रहा था यार कि इस, जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को सीखने के लिए कुछ समय की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो उन ट्रेनिंग को कैसे प्रोसेस में लाया जाए, एक सिंपल सा जमा घाटा, ये सब लोगों को जमा घाटा कैसे सिखाया जाए, डिवाइड कैसे करा जाए, मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाए, तो इस वजह से पब्लिक स्कूल्स भी सीन में आए, हॉस्पिटल्स भी सीन में आए। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मैंने तो आपको पहले बताया था कि रूलर्स हुआ करते थे, तो रूलर्स का क्या होता था कि उसको कोई लॉ से कनेक्टेड नहीं थे, वो किसी तरीके का भी लॉ पास कर दिया करते थे और आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ता था। तो सेंट्रल अथॉरिटीज की तरफ से पुलिस का इन्वेंशन हुआ, पुलिस को लेके आया गया, पुलिस बेसिकली क्या करती थी कि सब चीजों को कंट्रोल करती थी, कोई दंगे तो नहीं हो रहे, कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं हो रही रोड पे, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पूरे उसमें लेके आया गया। अब मार्केटिंग होनी स्टार्ट हुई, तो आपको पता ही होगा कि मार्केटिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, कुछ मार्केटिंग टैगलाइंस आपको पता होंगी जैसे जस्ट वेट, एक्सप्लोर, इस तरीके की जो टैगलाइंस थी जो मार्केट में यूज हुआ करती थी, इस वजह से लोगों का परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया। लोगों को बेटर लाइफ चाहिए थी, तो लोगों ने अपनी जॉइंट फैमिली से बाहर निकल के न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जाना स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने सोचा कि यार इस पर्टिकुलर जगह पे मैं इतना ही कर पाऊंगा, वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, उस दूसरी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो वो लोगों ने वहाँ ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से ना बहुत ज्यादा लोगों की मेंटालिटी में चेंज आया और लोगों ने अपनी बेटर लाइफ की तरफ को जाने के लिए बहुत नए नए इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर दिए। तो गाइस ये तो था बेसिकली पूरा एवोल्यूशन की ह्यूमन काइंड और ह्यूमन सेपियंस का एवोल्यूशन हुआ कैसे। बट अब बात करते हैं कि और भी नए तरीके की एवोल्यूशंस आ रहे हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, डीएनए मॉडिफिकेशंस एंड बायोनिक ऑर्गन्स। ये सब चीजें अच्छी हैं, ऑब्वियसली हम अपडेट कर रहे हैं अपने आप को, हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, जो बहुत ही ज्यादा अपने आप में खुद ही इंटरेस्टिंग है। मैंने शायद आपको 10-15-20 मिनट के वीडियो में ये सारी चीजें बता दी, बट इसका एवोल्यूशन कई हजार करोड़ सालों में हुआ है जाता है, तो इस बात को हम नहीं डिनाई कर सकते। बट अब ह्यूमन एवोल्यूशन इतना तेजी से हो रहा है, अब ये सारी चीजें जो इंट्रोड्यूस हुई हैं ह्यूमन सेपियंस के अंदर, अब मुझे आप एक चीज बताओ, समझाओ कि अगर बाई चांस ये सारी चीजें अगर सही तरीके से प्रोसेस में हो गई, तो ये बेसिकली चेंज कर देगा पूरा नेचुरल एवोल्यूशन ह्यूमंस का। दे कैन मेक ह्यूमंस सुपर ह्यूमन, वो लोग सुपर ह्यूमन बना सकते हैं पूरे इंसान को, क्योंकि इतने सारे चेंजेस करके आप अपने अंदर ताकत बढ़ा सकते हो, आप अपनी देखने की शक्ति बढ़ा सकते हो, आप ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हो, तो ये सारे प्रोसेस की वजह से ह्यूमंस बन जाएंगे सुपर ह्यूमंस। बट ये सारा प्रोसेस क्या हमें खुशी देगा, क्या ये किसी को पर्टिकुलर पावरफुल बना देगा, जिसके पास पैसा होगा या फिर जो उस चीज को कर सकता है उसको पावरफुल बना देगा, बट ये सारी चीजें हमें हैप्पीनेस देगा? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ गाइस, आप इसका मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर करके बताओ कि आपको सच में लगता है कि ये सारे एवोल्यूशंस अब एक लेवल तक रुक जाने चाहिए या इससे और आगे जाना चाहिए या
बहुत ज्यादा भी जो कि हम कहते हैं कि हम मार्स में रहने लगेंगे, हम ये करने लगेंगे, ये सारे एवोल्यूशंस क्या हमको खुशी देंगे? तो गाइस यस दिस इज इट, मेरे को बस इतनी ही बात आप सबसे करनी थी। मुझे लगता है कि यू नो यहां तक मैं अपने वीडियो को एंड कर दूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, चेंजेस आएंगे हमारे बॉडीज के अंदर, क्या चेंजेस आएंगे इस यूनिवर्स में, क्या चेंजेस आएंगे इस पूरे नेचर में? ये क्वेश्चन, ये डिस्कशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। प्लीज नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि आप क्या फील करते हो इस सब के बारे में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। यू कीप सपोर्टिंग मी, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।